राजस्थान से एक बड़ी खबर है। राजस्थान के अलवर में धर्म परिवर्तन का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बेटे बहू पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा है और ये दबाव कौन बना रहा है ये सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। पीड़ित जोड़े ने घर वालों पर ही आरोप लगाया है। देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ने और पूजा से रोकने का आरोप लगाया है। ईसाई धर्म नहीं अपनाने पर घर से बाहर करने की धमकी दी है अपने ही बेटे और अपने ही बहू को घर वालों ने। कोई बाहर का आदमी दबाव नहीं बना रहा राजस्थान के अलवर में। तो आखिर धर्म परिवर्तन का यह खेल कौन खेल रहा है, कौन है इसके पीछे? आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं धर्म परिवर्तन का यह पूरा खेल अलवर में कैसे खेला गया। आप देखिए, अलवर में एक हरिजन बस्ती का यह मामला है जहां पर लालच देकर ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ईसाई धर्म अपनाने का आरोप है। इलाके में लंबे वक्त से मिशनरी के लोग एक्टिव हैं। गरीब लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको ईसाई बनाया जा रहा है, ये आरोप है इनके ऊपर। एक घर में कुछ लोग हिंदू तो कुछ लोग ईसाई, बाकी लोग घर वालों पर भी धर्म परिवर्तन का आरोप लगा रहे हैं। यानी एक ही घर के लोग, एक ने कुछ ईसाई हैं उसमें और कुछ हिंदू हैं। अब जो ईसाई हैं वो बाकी लोगों पर भी अपना धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहे हैं। देवी देवताओं की मूर्तियों और पोस्टरों के साथ बर्बरता की जा रही है। ईसाई धर्म ना अपनाने पर परिवार से बहिष्कार की धमकी दी जा रही है उनको। सुनिए क्या कहा पीड़ित जोड़े ने। मेरे घर का ही मामला है। मेरे घर वाले क्या है कि ईसा मसीह को मानने लग गए 2-3 साल से, और ये क्या है कि हमको भी ना तो पूजा पाठ करने देते हैं, ना अगरबत्ती दिया कुछ भी ना करने देते, ना हवन करने देते, कुछ भी नहीं करने देते हमको। मारते पीटते हैं और कहते हैं कि ये ईसा मसीह पूजो, तस्वीरों को तोड़ देते हैं, मूर्तियों को फोड़ देते हैं, हमारे साथ मारपिटाई करते हैं। पूजा पाठ हमको कुछ भी नहीं करने देते हैं, तस्वीरों को तोड़ तोड़ के फेंक देते हैं। हमसे कहते हैं ईसा मसीह को मानो तो रहने देंगे नहीं, नहीं रहने देंगे। कौन लोग हैं? ससुर सास हाथापाई करते हैं। देखिए इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर। अलवर धर्म परिवर्तन मामले पर सामने आए हैं हिंदू संगठन। वीएचपी ने जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। ईसाई मिशनरी पर लोगों को लालच देने का आरोप लगाया है विश्व हिंदू परिषद ने। वो कह रहे हैं जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, मिशनरीज के जरिए ये पूरा काम हो रहा है, ये आरोप है वीएचपी का। हिंदुओं को खत्म करने की साजिश है ये कहा है वीएचपी ने। एससी एसटी यानी जो दलित और आदिवासी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है ये कहा है वीएचपी ने। ये बहुत बड़ा रैकेट है और इनको बिल्कुल ऊपर से पूरा संरक्षण मिला हुआ है इस तरीके से कि इनको पूरा पैसा मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इनका एक लक्ष्य यही है कि भारत में जहाँ तक हो सके केवल मुसलमान और ईसाई रह जाएं, हिंदू जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कम होते चले जाएं। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।